हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल अंतीज फूड ट्रेजर। मैं भवंती अग्रवाल और आज मैं लेकर आई हूं नाचोस की रेसिपी। 5 मिनट में नाचोस की प्लेट कैसे तैयार होती है, आइए देखते हैं। कभी कभी मन करता है कुछ चीजी, कुछ चटपटा सा खाने को मिल जाए, वो भी बहुत जल्दी। तो फूडीज, आज मैं लेकर आई हूँ चीजी नाचोज, वो भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं बनकर। एक आइडिया जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, चीज़ी नाचोज बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चीज़ी सॉस। उसके लिए मैंने पैन में 2 टेबल स्पून बटर लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। हल्दी कलर के लिए मैंने इसमें ऐड किया है। वैसे ये सॉस येलो चीज़ के साथ बनाया जाता है, लेकिन उसमें भी कलर ऐड होता है, तो बेटर ऑप्शन है कि हल्दी इसमें ऐड की जाए। अब इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून मैदा। मैदा को हम 1 मिनट तक भूनेंगे। अब इसके अंदर ऐड करना है 1 ग्लास फुल फैट क्रीम मिल्क और कंटिन्यूस इसको हम स्टर करते रहेंगे। अब इसके अंदर चीज ऐड करेंगे। ये प्रोसेस चीज है जिसको मैंने केस लिया है। 100 ग्राम्स चीज मैंने यूज लिया है। कंटिन्यूस स्टर करेंगे और धीरे धीरे ये सॉस ठीक होने लगेगा। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। अगर आपने बटर सॉल्टेड लिया है, चीज सॉल्टेड है, तो नमक उसी के हिसाब से यूज़ कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा इसके अंदर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। मैक्सिको की रेसिपी है, लेकिन मैंने कुछ इटालियन सीजनिंग भी इसमें ऐड किया है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 मिनट तक इसको और पकाएंगे। धीरे धीरे सॉस ठीक होने लग गया है। लगभग ये सॉस तैयार हो चुका है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है, ठंडा होने पर और ये थिक हो जाएगा। टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने बारीक कटी हुई कुछ सब्जियां ली हैं, जिसमें है शिमला मिर्च, प्याज, कुकुम्बर, टमाटर, हरा धनिया बारीक कटा हुआ और एक ग्रीन चिली बारीक कटी हुई। जो सब्जी आपको पसंद है, जो घर में अवेलेबल है, वो ले लीजिए। बॉइल्ड कॉर्न ले लीजिए, कोई मेजरमेंट नहीं है। अगर आपको प्याज ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लीजिए, टमाटर ज़्यादा पसंद है तो टमाटर ज़्यादा लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नींबू ऐड करेंगे। नींबू का एक बीज इसके अंदर गिर गया है, बाहर निकाल लेते हैं। सबको मिक्स करेंगे और ये तैयार हो चुका है। डोरिटोज के मैंने नाचोज लिए हैं, ये स्वीट चिली फ्लेवर है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, मुझे एक चीज़ी फ्लेवर वो भी बहुत पसंद है। तो जब भी हमारे घर पे कभी मेहमान आ जाए तो इस तरह से ये प्लेट बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मार्केट के नाचोज हैं। अब इसमें हम जो हमने सब्जियां बारीक कटी तैयार की थी वो हम इस पर डालेंगे और उसके ऊपर हम सॉस जो हमने तैयार किया था वो हम इसके ऊपर पोर करेंगे। तो फूडीज, बहुत ही जल्दी तैयार हो गई है नाचोस की प्लेट, बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है ना। आप भी बनाइए और ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये आइडिया, ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसके ऊपर वापस थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ। अब मैं एक प्लेट और तैयार कर रही हूँ आलू चिप्स के साथ में। इसी तरीके से आप ये सॉस कुरकुरे के साथ में या फ्रेंच फ्राइज के साथ में या मटरी के साथ में, खिचिया के साथ में, सेम प्रोसेस के साथ में बना सकते हैं। ये सबके साथ में बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब इसके ऊपर मैं पेरी पेरी मसाला यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चीज़ी चीज़ प्लेट बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।